even if they say something negative or something, we can examine from our perspective that to what extent we agree with them. Because sometimes people are just skeptic because they feel that the idea on the other side is very good and they don't want to really admit it. True. Sometimes they feel that ये इतना अच्छा idea है तो यदि उसको वो criticize नहीं करेंगे तो फिर उनका जो intellectual वो है वो कहीं पे it will be at stake कि आप इसमें कोई negative बात नहीं निकाल पाए तो इसका मतलब है कि probably you are not enjoying that kind of the intellectual wisdom. नहीं, वो तो जहाँ हिंदुस्तानी है तो the argumentative Indian is so right. That is true. So एक मुझे लग रहा था कि दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट थिंग एंड सेकेंडली जो आपने रामकृष्ण मिशन का कहा था हाउ वी कैन रियली टेक देम अलोंग एंड इसमें तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्रिएटिंग ए फुल इकोसिस्टम इसका मतलब है कि जो गौशाला के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जो उसकी फ्लोरिंग करेगा जो उसमें बहुत एडवांस क्योंकि व्हाट आई फील सिंस कॉस्ट को हम कॉस्ट को इंटरप्ले कर पा रहे हैं अपने मॉडल में राइट एंड कॉस्ट कैन बी एडजस्टेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड राइट मतलब हम उसको वी आर नॉट इन हरी टू एडजस्ट इट इमीडिएटली राइट तो उस एडवांटेज से हमें कोई चीज सब स्टैंडर्ड नहीं जाना चाहिए मतलब हमारा हर फॉर्म जो है ना एक दर्शनीय स्थान बनना चाहिए जिसमें मेरा मतलब वो भी सोचना है कि नॉट ओनली द गाय के लिए लेकिन गाय की पूजा के लिए गाय को चारा खिलाने के लिए गाय को गले लगाने के लिए वो एक इंडिपेंडेंट सेड हो जो कि बड़े कन्वीनियंट हो बेचारा अप्रोचेबल प्रेफरेबली राउंड एंड शेप सो दैट यू कैन अप्रोच रेलिंग वगैरह लगी है यू कैन अप्रोच यू कैन इवन मूव इन एंड गो क्लोजर टू द आई टू द काउ एंड वी कैन सेलेक्ट द काउज जो कि रिलेटिवली नो नॉनसेंस टाइप की वैसे तो सभी गाय सीधी होती हैं लेकिन फिर भी वी कैन बी एक्स्ट्रा केयरफुल since the people are going closer and they would like to enjoy the vicinity of cow and enjoy its therapeutic value as well. Yes. So एक spiritual value हो गई है दूसरा जो satisfaction हो गया उसको चारा घास या कुछ भी खिलाने का and then third है उसका जो है enjoying vicinity जो उसको गले लगाना क्या word use they are using some specific word for it. ये अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो रहा है कॉन्सेप्ट आई एम अवेयर जबकि वो जर्सी गाय है हाँ जबकि उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी होती ही नहीं है और अपने यहाँ तो क्योंकि उनके अपन रोम रोम में घुस जा रहे हैं बेसिकली बट वी आर सेइंग कि हम होम भी करेंगे हवन भी करेंगे हम मंत्राज चलेंगे मंत्राज फॉर द क्रॉप मंत्राज फॉर काउ सो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट होलिस्टिकली इसमें एक जैसे व्यू ये भी है कि गाय को नहाने की व्यवस्था हो तो सिर्फ कार को ही धुलने की व्यवस्था हो सकती है हम अच्छी व्यवस्था अपने गाय के लिए क्यों नहीं कर सकते बिल्कुल आई मीन दैट शुड बी लेस ह्यूमन ड्रिवन बिकॉज हमारा आदमी तो जहां है वो तीनों से करेगा नहीं उसकी अच्छी सी ब्रशिंग की व्यवस्था क्यों ना हो लेट वी कैन इम्प्रोवाइज एंड डिवाइज थिंग्स इंक्लूडिंग इवन वी कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ मसाजिंग आदमी की मसाजिंग अकेले क्यों हो सकती है गाय की मसाजिंग क्यों नहीं हो सकती है ये नहीं होती है ना तो एक उसमें भी बढ़िया सजेशन है कि जो बड़े अच्छे गौशाला जो लोग चला रहे हैं उनसे वो करना उनकी गौशाला अपन देख के लेट्स नॉट लिमिट व्हाट दे आर डूइंग मिनिमम तो वो अचीव कर चुके हैं वो तो हमें करना ही करना चाहिए then what more we can add to it correct because there are very few successful goshalas in the country today so jo kam se kam jo successful hain unko to zarur emulate karna chahiye ha aur nahi uska ha ek to ye hai ki hame un dekhiye kyunki cost ko hum wo nahi kar rahe hain aur kyunki hamara cost jo hai it will be not only dependent on milk abhi uska milk aur milk processed item ke upar hi uski dependency hai jabki yahan pe apna more on going for the organic fertilizer and what I feel के जो आप chemical fertilizer के लिए subsidy दे रहे हैं जो कि हमारे जमीन को spoil कर रहे हैं the same subsidy should be available for our organic fertilizer as well very right so very good.
So what we feel that that extra money will come and हमारा देश में कार्डिया ये भी है कि कुछ हम हट बनाएंगे और सभी उसमें डिपेंडिंग अपॉन जो बड़े फार्मा है उनमें अच्छा सा हट बनाया जाए जिसे कैन बी गो फॉर द एग्रो टूरिस्ट एंड नॉट ओनली फॉर इंडियंस लेट इट बी फॉर द फॉरनर्स फॉरनर्स तो एक एक महीने आके स्टडी करेंगे सही बात है बिल्कुल सही तो ऐसा ऐसा कुछ मुझे लग रहा था कि इसमें हमें जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनको जैसे स्टेट लेवल ओपिनियन लीडर जिसको अपन डेवलपमेंट ऑफिसर भी कह रहे हैं देन डिस्ट्रिक्ट लेवल देन ब्लॉक लेवल एंड देन LIC एजेंट टाइप व्हाट आई फील कि उसमें हम वही इंसेंटिव क्रिएट करें जिससे द फाइनेंशियल इंसेंटिव शुड बी दैट ड्राइविंग फोर्स टू ज्वाइन उसमें भी आई एडवाइस यू टू थ्रू टू जेंटलमैन बहुत दिन से काम कर रहा है वो पानी पर दोस्त है मेरा मैं आपके साथ जो है ना कुछ जगह पे विजिट भी कर सकता हूँ हमें सो दैट वी कैन डिलीवर इट देयर हम वहाँ पे कुछ इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं हम क्या एक चीज सोच रहे हैं पतंजलि जी कि हम जो है हर चीज को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करें एंड उसको एनर्जी मान के हम अपने क्राइम फ्री भारत पे उसे रिले करें तो उससे क्या है कि जो डायलॉग बिटवीन टू पीपल हो रहा है दैट विल बी अवेलेबल फॉर द लार्जर कंजम्पशन and sure. might motivate others to join. Absolutely. So what I'll do is, I'll also put you through to someone who's been working relentlessly for water for the country. और काफी उसने अचीव भी किया है और उसके भी दिमाग में वो काफी जैसा फॉर्मल चीज जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सोच रहे हैं उसने भी सोचा है ही इज अदरवाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट बट एक जो गवर्नमेंट में पहले शिवसेना के थे वो भी उनके साथ मतलब ये भी जुड़ा हुआ है उनके साथ वो अच्छे अच्छे लोगों में शुमार है उनकी बहुत ही बढ़िया बात है बहुत ही बढ़िया बात आई विल पुट यू थ्रू टू हिम सो ही इज ऑलरेडी व्हाई रीइन्वेंट द व्हील ही हैज डन समथिंग ही कैन टेल यू व्हाट वर्क्स मैं तो ये कह रहा हूँ कि चूंकि आपके मित्र भी हैं तो ज्वाइंटली वी कैन विजिट देयर वी कैन स्टे फॉर 2-3 डेज ओवर देयर पूरा इंडिया में घूमता है इंदौर का ही है ओह ग्रेट तो बहुत और भी अच्छा है अपना इंदौर मीन्स मध्य प्रदेश तो हमारा ही हो गया फिर तो संजय गुप्ता है तो काफी सारी चीजें कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर भी बना रहा है क्या क्या कर रहा है वो सारी चीज नहीं इसमें हमारा क्या सोच है जरा एक्वाकल्चर के बारे में मैं अपना सोच थोड़ा सा एलाबोरेट करूँ क्या हाँ हाँ बोलिए ना देखिए मेरा सोचना ये है कि जो वाटर बॉडीज अभी हैं स्पेशली रनिंग रिवर्स और रनिंग वाटर स्ट्रीम्स राइट उनका जो है डीपनिंग और उनमें जो है ना जेसीबी से जो थे अर्थ डैम होते हैं इस तरीके के बीच बीच में स्टॉप डैम टाइप का बना के और वाटर को हम साइडवेज में लेके जाए टू द फार्म राइट और फार्म्स को हम एंड टू एंड कनेक्टिविटी देना है जिससे कि बगल वाला जो फार्म है उसका एक्वा कल्चर इस एक्वाकल्चर से जुड़ा रहेगा सो दैट वाटर में कम वाटर विल कम फ्रॉम द रिवर स्ट्रीम और फ्लोइंग वाटर एंड इसमें जो है एक्वा कल्चर हम जरूर कर रहे हैं लेकिन एक्वा कल्चर से ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज हाउ टू टेक द वाटर इनसाइड तो चूंकि उसमें हॉर्टिकल्चर और ये सब ढेर सारे प्लांट्स रहेंगे ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द लैंड विल बी कवर्ड विद द ट्रीज राइट स्पेशली जो बड़े फार्म होंगे उसमें एटलीस्ट 1/3 ऑफ द स्पेस विल बी एवरीथिंग माने एटलीस्ट 1/3 ऑफ द फार्म इज अ गुड आइडिया स्मॉल और बिग हाँ एक ही बात है नहीं वो नहीं जैसे मतलब छोटा बहुत छोटा है तो उसको डेडिकेटेड अपन नर्सरी बना सकते हैं बहुत छोटा है तो उसको नर्सरी केवल गौशाला बना सकते हैं और चूंकि चूंकि CFB नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो उसे खाने की चिंता नहीं करना पड़ेगी कहीं फॉर्डर पैदा हो रहा है वहां बगल में पहुंच जाएगा क्या दिक्कत है मतलब बेसिकली अवर एडवांटेज वुड बी द एंड टू एंड कनेक्शन थ्रू अवर CFB नेटवर्क जिसमें CFB वर्कर्स और CFB वॉलंटियर्स होंगे जिनकी पर इंडिविजुअल इनकम वी आर कॉन्टेम्प्लेटिंग विल नॉट बी लेस देन 50,000 वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर और चूंकि जो ये वर्कर्स हैं इनको हम 50% डिस्काउंट लाएंगे आम आदमी को 10% मिल रहा है तो इनको 50% इको बेनिफिट मिलेगा
तो हम यदि उनको 25,000 पर मंथ का देते हैं तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली विल बिकम 50,000 वर्थ ऑफ द परचेजिंग पावर. एंड अब यदि मान लो 50,000 वर्थ ऑफ हम परचेजिंग पावर उसको देते हैं और लेट्स प्रिज्यूम कि एक फैमिली में चार वर्कर हैं तो उस फैमिली की इनकम इमीडिएटली 2 लाख हो जाती है, राइट. देन वी कैन इवन कॉन्टेम्पलेट ऑफ फुलफिलिंग देयर नीड. जैसे मान लो हाउसिंग नीड है तो हम उसके लिए एक बहुत ही ग्रीन टाइप का इकोसिस्टम क्यों ना बना के दें जिसके ऊपर सोलर वो भी पावर भी लगा रहे. विच कुड फिट इन टू दैट एंड लेट देयर बी ए कॉन्टेम्पलेशन जिसमें कि डिबेट्स हो ये हो और हम उनके लिए वहां पर सोच के एंड देन दे आर फाइनल चूजर. वी आर नॉट इम्पोजर ऑन दैट. नहीं नहीं आपको ऑल्सो आई विल पुट यू थ्रू टू द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन माय लाइफ. वो बहुत रिसर्च करता है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. डाइस कलेक्शन में बिजी रहता था. हाँ हाँ. वो कौन है? वो मेरा दोस्त है. वो बॉम्बे आईआईटी का है और ओनली डज रिसर्च. तो आपको बहुत सारी उसमें तो इन्वॉल्व नहीं होएगा क्योंकि वो तो इज अ डीपली स्पिरिचुअल गाय. एंड लेकिन इससे बड़ी स्पिरिचुअलिज्म और क्या हो सकती है? देखिए मैं आपको बताऊं जो ऋषि मुनि है. देखिए जैसे ऋषि मुनि दो जो आर डीपली इन स्पिरिचुअलिज्म उनको अपना कुछ कोटा जो है ना लोगों को अपग्रेड करने में लोगों को मोक्ष दिलाने में खर्च करना होता है तभी उनको हायर लेवल पे वो पहुंच पाते हैं. उसने जैसे हम लोग का एक रास्ता है उसका भी रास्ता हम लोग के साथ का ही जुड़ा हुआ है. वो उसे डिविएट नहीं करता है. ठीक बात है. नहीं नहीं देखिए आई एम सेइंग कि यदि कोई जितना पार्ट प्ले कर सकता है इतना इंटेलिजेंट है कि आपको बहुत सारी चीजों पे बहुत सारी चीज आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है क्या हो सकता है. ओके व्हाट इज हिज गुड नेम? अरविंद जोशी. अरविंद जोशी ग्रेट दोस्त है. इज माय बेस्ट फ्रेंड. ग्रुप ऑफ 10 पीपल तभी तो हम समझिए 5-6 साल में यहाँ पहुंचे कि आज के दिन में वी आर डूइंग 3,000 tons ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और हर एक साल 7 गुना बढ़ेगा. अगले साल 21,000 अगले साल 1 लाख से ज्यादा. बेसिकली हम तो दूसरी बात सोच रहे हैं. यदि हम और फास्टर यदि हम उनकी वेल्थ और हेल्थ सब बढ़ा दे रहे हैं तो आई थिंक वी कैन इफ वी प्लान इट प्रॉपरली देन वी कैन बिकम वेरी फास्ट बिकॉज देन अवर रीच कुड बी वेरी हाई. जितने जितने से आप ज्वाइंट वेंचर करते जाएंगे वो आपके विदिन रीच हो गए आपके पार्टनर हो गए एंड देन यू आर यू इट विल बी हेल्पिंग यू टू क्रिएट इको सिस्टम.
गायत्री परिवार जुड़ता है, कबीरपंथी जुड़ते हैं। अच्छा, इसमें एक एडवांटेज ये है कि आई एम हैविंग ए पर्सनल रेपो विद ईच वन ऑफ देम। जैसे आपका रामकृष्ण मिशन से है, तो हमने रामकृष्ण मिशन को भी अप्रोच किया था व्हेन आई वाज द डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकॉज हम चाह रहे थे कि जब भी कोई डिजास्टर होता है, फ्लड होता है, ये होता है, तो ये लोग पहुंचते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग एज ए इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म। तो हमने इसके लिए वेब पोर्टल, इसके लिए ऐप, और उसमें सिविल डिफेंस और उनका इंटीग्रेशन, देन उसमें हम कैप्चर कर रहे थे कि व्हाट इज योर विलिंगनेस टू हेल्प, राइट, कितना आप करना चाहते हो इन नॉर्मल इमरजेंसी और इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। तो वो चीज भी हम पहले से ही कैप्चर कर ले रहे थे, राइट, एंड देन जहां पे जरूरत है वहां पे हम उन्हें भेजें। अभी क्या होता है कि हर कोई वहां पहुंच जाता है जहां टीवी भी पहुंच रहा है, और डिसास्टर के कई दिनों बाद, 10-10, 15-15 दिन बाद तक डेप्थ में कोई नहीं पहुंचता। सही। अच्छा, बिकॉज देयर इज नो सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज्म टू टास्क देम, तो वो अपने विवेक से उनको जहां लगता है वहां पहुंच जाते हैं। सही। अच्छा, एंड एट मेनी टाइम दे स्ट्रगल आल्सो, दे गेट ह्यूमिलिएटेड ऑल्सो। मतलब कोई पागल शादी वो ब्यूरोक्रेट है वहां पे, उसने कहा नहीं नहीं बाहर निकलो, ये करो वो करो, सम टाइम विदाउट रियली बॉदरिंग के आप बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेजडी में जो है ना, ट्रेजडी में उनकी मदद कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सम नालायक टाइप का जो है ना ब्यूरोक्रेट, यू विल फाइंड कि मे इवन मिसबिहेव, मे इवन पुश यू आउट, भाग जाओ यहाँ। सब तरह के लोग हैं, एक से एक लोग हैं। अच्छे लोग रहते, ब्यूरोक्रेसी अगर इतनी अच्छी रहती तो हम यहाँ थोड़ी रहते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, क्योंकि उनको अपनी बॉसिज्म करना है, हम लोग सब उसी के हिस्से रहे हैं ना। तो उनको बॉसिज्म ज्यादा प्रिय है, उन्हें मैन ऑब्जेक्टिव उनका और कुछ रह नहीं जाता। सही बात है। तो इसमें मेरा ये जो जो नहीं जो व्हाट आई एम थिंकिंग, सो वन डे वी वुड हैव, थोड़ा सा मैं सेटल हो जाऊं, और ऐसे भी वो हमारे जो हम जिस पर काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसलिए कि मुझे लगता है कि वी आर ऑन फायर, द अर्थ इज ऑन फायर, तो बहुत तेजी से कम पेड़ लगाने का काम है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप जो सोच रहे हैं बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, तो उसमें वही है कि हमारा स्केल बहुत हाई स्केल हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, हमारी डिपेंडेंस जो है ना गवर्नमेंट लैंड पे नहीं रहेगी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है वो। और क्योंकि जब यदि मान लो हम अपने पर्सनल फील्ड में लगा रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर कोई नाटक भी नहीं कर सकता है। नहीं, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, जो डिग्रेडेड लैंड है, ये ऐसी मानसिकता सरकार की हो गई है कि जो ट्राइबल है वो नक्सली ही है, जबकि ऐसा है नहीं। आपने उसको, आप उसको एक्सप्लॉइटेड लॉट, उसको नमक के बदले में क्या क्या महंगी चीज उससे ले ली जाती है, तो he's a exploited lot, and he's being exploited by the Naxalites also. सही, Naxalites तो बहुत अच्छे लोग हैं ना। नहीं, कतई नहीं, bad people, they are bad people, दुष्ट हैं। तो मेरी सोच ये है, जो जैसे वनवासी सेवा केंद्र ही है, वो भी कहते हैं कि उनको वन का अधिकार मिलना चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि वन का अधिकार मिलना चाहिए। तो आप जो बेस्ट, मैं आपको बताऊँ ना, यूजर फैक्टर्स राइट उनको मिल जाए, लैंड का, लैंड तो जो है ना किसी की नहीं है, आप कल मर गए तो किसकी लैंड है, लैंड का, लैंड के ऊपर अपन क्यों अपनी एनर्जी खर्च करें। और जो डिग्रेडेड लैंड है, आप शुरुआत वहां से करो, डिग्रेडेड लैंड है जिसमें आपने कुछ नहीं कर लिया, रिश्वत के बावजूद कोई पेड़ नहीं उगा पाए, उनको दो ना, कि पेड़ भी उगाएं और पेड़ को इस तरह से रखें कि वो एक जैसे आपके इस अम्ब्रेला के अंदर में आए, जिसमें उनको देखो स्किल डेवलपमेंट में दी, अपन ने उनको अपना वॉलंटियर बना लिया, राइट, फिर तो उनकी टास्किंग अपने हाथ में है ना, फिर तो क्वेश्चन ऑफ की जो है ना, अपने ही फ्रेंड आईपीएस और इनको ले, गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन दें, इनको करें, उनको करें कि भाई हम ये लेना चाहते हैं, कोई ना कोई जो है ना, यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं एग्री होता है तो महाराष्ट्र में एग्री हो तो महाराष्ट्र में चले जाएंगे, जहां अपन को थोड़ा सा मिल गया और एक आध बार अपन को सक्सेस मॉडल अपन क्रिएट करने में सफल हो गए, तो फिर तो जो है ना लोग देखने आना चालू हो गए, तो फिर अपने आप नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस। एकदम एकदम, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, तो मोटा मोटी तौर पर ऐसे 10,000 मॉडल्स बने जहाँ पर लोग गरीबी से बहुत ऊपर रहे, राम राज्य आएगा, वो 10,000 कब 10 लाख बन जाएगा पता भी नहीं, वो तो ओवरनाइट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, यदि सामने वाले को फायदा दिखेगा
तो वो मॉडल इटसेल्फ विल बिकम एजुकेशन टू एवरीवन। सही बात। फिर आपको मुंह से नहीं कहना है ना, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाइए, वही देखिए, वही करिए। बिल्कुल सही। और दूसरी बात है कि एक चीज बड़ी क्लियर होना चाहिए कि जो ब्रेन बिहाइंड है उसका कोई पर्सनल एक्स टू ग्राइंड के लिए नहीं होना चाहिए। जो जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, इज क्रिएटेड इज वेल्थ, और हम लोगों का तो खैर सवाल ही नहीं है। जब हम लोग जिंदगी में पावर में थे उस समय पावर को मिस यूज नहीं किया, नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, आइए 200% आया मैं उस समय किसी से नहीं डरे तो आप क्या डरेंगे। नहीं देखो, मैं एक चीज आपको बताऊं, नेता बहुत इंटेलिजेंट होता है। मैं ये कह रहा हूँ पतंजलि जी, यू विल बी सरप्राइज, मैं चीफ मिनिस्टर के गृह जिले का भी SP रहा हूँ। Nobody could ever interfere with परिवार, हम जो है ना उनके एरिया में जाके इंटरफियर किए। जैसे हमारा एक सब इंस्पेक्टर था, he was transferred out from my district. तो दिग्विजय सिंह जी का सुबह सुबह मुझे फोन आता था, उसका हर दिन का उनका नियम ही था, उनका फोन आया तो मैंने कहा कि सर एक निवेदन मुझे भी करना है, लोगों की बात है। तो मैंने कहा कि सर देखिए ऐसा है कि सब इंस्पेक्टर की ईमानदारी के बारे में तो वैसे कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हमारे पास जो लॉट अवेलेबल है आई ट्रीट हिम टू बी द बेस्ट वन, राइट। और इसको आपने जो है ना SCRV में ट्रांसफर कर दिया है, इसका बहुत गलत संदेश पूरे जिले में गया है। तो वो कहते गुप्ता जी क्या चाहते हो, तो मैंने कहा कि सर ये ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए। ही सेड इट विल बी डन बिफोर 5 o'clock, एंड बिफोर 5 o'clock आई गॉट दैट ऑर्डर कैंसिलेशन ऑर्डर। देखा जाए तो सिंस ही वाज ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम द माई डिस्ट्रिक्ट, I was having no local system right to really interfere. So I feel that ki I interfered in their domain. But people are kind and nice and they have so much of respect for you ki unhone jo hai na kisi ke pressure mein wo kiya aur aapke kehne pe unhone within the time limit ke hum aaj shaam ko 5 baje ke pehle aapke haath mein aadesh hoga aur wo aadesh pahuncha to ek badi baat ho gayi na ye to. Sahi baat. Mujhe lagta hai ki नेता ये लोग बहुत अच्छे होते हैं और वो देर नो कि किससे क्या करना है, तो वो हर किसी से इंटरफेयर नहीं करते। मेरा ऐसा दिस इज वेरी कंसिडर्ड व्यू इन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पुलिस। नहीं सही है, नहीं नहीं, बट हाँ बट वही है, तो जहाँ उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा होता है तो मैं आपको बताऊँ एक किस्सा, मैं शिवराज सिंह जी का बताता हूँ। आई वॉज एडिशनल DG एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके OSD आके एक दिन मेरे पास बैठे, बोले सर वो जो रहे CM साहब 2-3 बार चुके हैं और उनको लग रहा है कि वो आदेश नहीं हो रहा है। तो यार मैंने कहा वो फाइल तो मैंने अपने टेबल पे रखी हुई है, NIFIL के साले बहुत ही नालायक बदमाश लोग हैं वो, और बड़ा गलत संदेश जाएगा यदि ये पर उनका ट्रांसफर करेंगे ऑर्डर करेंगे तो। तो हमने कहा यार देखो ये हम तुम्हारे लिए ही लेके रखे थे, हम तो सोचते थे तुम्हारे पास आ जाते हैं और तुम आ गए तो तुम जाके इनको CM को दिखा दो इसको बस, फिर यदि वो कहते हैं करना है तो कर देंगे, नहीं कम से कम अपनी कॉन्शियस तो रहेगी कि हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया। तो वो छुट्टे बोलता है कि नहीं सर मैं नहीं कह पाऊंगा। तो मैंने कहा यार तुम मेरा अपॉइंटमेंट करा दो, मैं कह दूंगा। तो बोले सर हाँ ये हो सकता है, बोले सर आप कल 11 बजे आ जाइए। तो मैं 11 बजे पहुंचा तो CM को मैंने कहा कि सर एट आउटसेट आई वुड लाइक से कि आप जो कहेंगे होना तो वही है, लेकिन मैं अपना एक कर्तव्य समझता हूँ कि मैं आपके ध्यान में लाऊं कि इससे बड़ा गलत संदेश जाएगा। बोले नहीं नहीं रहने दीजिए आप मत करिए। तो मैंने कहा नहीं सर 8 में से 2 लोग बॉर्डर लाइन के हैं, इनको कर भी देंगे तो नहीं, 6 का नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली सर नहीं नहीं ठीक है 2 का कर दीजिए, बाकी का रहने दीजिए। वेरी नाइस। मतलब एक बार भी उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा, मतलब वो तो 8 के लिए भी तैयार हो गया। वो 2 तो मेरे कहने पे कि नहीं सर ये बॉर्डर लाइन है, जीरो करना ठीक नहीं रहेगा, आपके ऊपर जो भी दबाव है तो 2 कर देंगे तो कुछ तो पार्ट वो पूरा हो जाएगा। नहीं वो तो नेता 1-2 का करना चाहता है, उसकी आड़ में जो दुष्ट हैं उसके लिए घेरे हुए हैं वो काम कराते हैं और कुछ नहीं है, और अपना वो पैरेलल पावर सेंटर बनाते हैं। आई डीपली अप्रिशिएट मिस्टर शिवराज सिंह चौहान की उस व्यक्ति ने 1 सेकंड भी जो है ना प्रेशर नहीं डाला, एंड वो तो आउटराइट पूरे 8 के लिए एग्री कर गया, राइट। फिर मैंने ही कहा कि ये 2 जो है ना सर बॉर्डर लाइन के हैं, इनको फिर भी करने पे उतना गलत संदेश नहीं जाएगा, तो ले ठीक है आप 2 कर दीजिए एंड वी इशूड द ऑर्डर ऑफ 2, दैट्स ऑल। वो 6 को हमने फाइल कर दिया।
तो वो मतलब बड़ा ही फील की अब ये मुझे ये नहीं मालूम है कि देखिए ही मे नॉट हैव लाइक्ड मी, ये बात जरूर है, तो अब वो अब यू हैव टू पे प्राइस फॉर एवरीथिंग, बट आउटराइट तो उन्होंने आपकी बात मानी ना, इट्स यू हैव यू शुड हैव रिस्पेक्ट. ठीक है ना, वी आर हियर टू सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्व द कंट्री. आदमी का आदमी विशेष बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए. मैं तो बम्बई से रिटायर हुआ, हमारे यहाँ मुंबई से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चार्ज नहीं होता है. हाँ, तो वो पैसे भी खाने हैं. एक आदमी के पास मैं नहीं गया हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कोई नहीं कह सकता है कि मैं किसी का आदमी हूँ. मेरे डिपार्टमेंट में कोई एक आदमी नहीं कह सकता है कि कभी मैंने किसी के अपनी पोस्टिंग के लिए कहा हो. बट आई वेंट देयर. तो जब गवर्नमेंट को जरूरत थी, जब हमारे यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रहा था, देन दे थॉट इट प्रॉपर टू फॉर मी टू गो एंड एट बी. हां, ही थॉट ही ओनली ही कैन डू, हु इज हैविंग नो पर्सनल एज टू ग्राइंड, एज सिंपल एज दैट. और एक बात तो है, नेताओं को खबर बहुत रहती है. नहीं, दे नो ईच वन ऑफ अस. मतलब आपको कुछ भी मुगालता बना रहे, लेकिन उन्होंने मालूम होता है, चाहे वो माने चाहे ना माने, लाइक करे चाहे ना करे, मालूम रहता है. बिल्कुल. चलिए, तो मैं आपको I'll put you through to good people. We have some idea and we can have some brainstorming session. You have a brilliant idea. तो थोड़ा नाम को सोच सकते हैं, उसको क्या कहें, क्या कहें कि क्राइम तो हिस्सा है ही. बट एक्चुअली मैं क्या किया कि क्योंकि वी स्टार्टेड विद द सीएफबी, तो अब हम हर जगह सीएफबी निकनेम यूज कर रहे हैं. नहीं नहीं, वो ठीक है. व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि चूंकि उसको लिमिट क्यों करें, वो इससे बहुत इतर है. उससे देखिए, लिमिट नहीं कर रहे हैं अपन, उसको एक्सपांड कर रहे हैं. लेकिन व्हाट आई फील कि सीएफबी गिव्स अस ए लिटिल इनिशियल किक जो कहते हैं ना, तो उसको सीएफबी को अपन एक्सपांड नहीं करेंगे. वी विल से सीएफबी. हाँ, तो उसको एक वर्टिकल रख लें और उस वर्टिकल के साथ जो उसका पिरामिड रहे वो कोई बहुत अच्छा हो. अब हिंदी में रामराज्य कह लें, और अगर बहुत सेक्युलर कुछ रामराज्य, हमने जो बेसिकली इट इज ए नेशनल पुलिस मिशन एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू बीपीआरएनडी, और उसमें हमने रामराज वर्ड का यूज किया इस कॉन्सेप्ट. हाँ, बिल्कुल होना ही चाहिए. रामराज्य तो एक कॉन्टेशन है. आई हैव यूज दिस वर्ड के इट विल बी कन्वर्टेड इन. अगर इतना ही सेक्युलर लोग हैं, सेक्युलर की बात करें, तो कुछ और भी सोच लें उसका. और इसका एक वर्टिकल नहीं यार, ये जो है ना हिंदुस्तान में राम जो है ना, ही इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, ही इज अ पुरुषोत्तम. पुरुषों के उत्तम है वो, हिंदुओं के उत्तम नहीं है. तो यदि कोई इतना नालायक है तो हमें नालायकों को सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं है. ये भी ठीक है. हाँ, मतलब वी आर नॉट हियर टू ईगो मसाज जो है ना किसी की साली फालसी को जो है. आप जो है ना, आपको ज्ञान ढेले भर का नहीं है, आपने जो है ना अपना कुरान ठीक ढंग से पढ़ा नहीं है. यू जस्ट डोंट नो व्हाट इज रिटन ओवर देयर, एंड आप साले जो है ना ज्ञान बगार रहे हो. यू आर इल, दे आर मेजोरिटी ऑफ देम, दे आर इल इनफॉर्म. सही बात. They don't know their own religion. जैसे कि हम लोग भी नहीं जानते हैं अपने धर्म कर्म को. सनातन का हमें कितना मालूम है. We may not be knowing even 10% of it. बहुत कम. सही बात. Same is on their side. और उनकी तो किताब छोटी है, अपना तो खैर इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे वेद हैं, उपनिषद हैं, तो इनको तो समझना भी एक बड़ा चुनौती है. लेकिन उनकी तो एक लेदे की छोटी सी किताब है जो कहती पृथ्वी चौकोर है. वो तो मतलब ये द पर्सन हु हैज रिटन दैट ग्रैंड बुक, जो कि ही इज अ गॉड, वो गॉड वाज सो मिसइन्फॉर्म्ड कि उन्होंने जो है ना पृथ्वी, उन्हें मालूम नहीं थी कि गोल है. उन्होंने वो चौकोर चौपट दिखाई थी, चपटी दिखी उनको. बिकॉज वो समवेयर जो है ना दैट रिफ्लेक्ट की उसमें मिलावट की गई है. या तो जो कहने वाला है वो गॉड का प्रॉफिट था ही नहीं, यदि था तो उसने जो कहा वो लिखा नहीं गया. मतलब किसी ने तो उसमें मिलावट की है. सही बात है. नहीं, सोच ही नहीं थी. खैर, वो कहाँ ये सब क्या में जाए अभी तो. कोई पॉइंट यदि उठाता है तो उसके मुंह पे मारेंगे. क्योंकि क्योंकि डिफेंसिव होने से इस डिफेंसिव नेचर ने हमारा बहुत बुरा किया है. नाउ वी रिफ्यूज टू बी डिफेंसिव. ठीक बात है. ठीक है. बिल्कुल. मैं भी, हमारे दोस्त भी रामराजी ही कहते हैं जी जी. तो वो एक बार जो अभी जो इमीडिएट इशू है, क्योंकि अब तो एग्जिस्टेंस पर खतरा है.
एग्जिस्टेंस में खतरा कई तरीके से, इंक्लूडिंग योर हेल्थ साइड, मतलब जो हम परसेंट WHO कह रहा है, आप कह रहे हैं 40%, बिल्कुल कहीं बीच का ही आंकड़ा है। और मोटा मोटी तौर पर जो मुझे समझ है कि एक रास्ता है जो इस सब चीज से बच सकता है, इंक्लूडिंग IPCC, और इंडिया के पास वो रास्ता है, तो इसलिए वो सब चीजों से ऊपर है वो। और उसको जो आपका आइडिया है एक वर्टिकल उसमें भी जुड़ जाए, ये बहुत अच्छे आइडिया है। ऑलरेडी वर्टिकल है, देखिए पहला है क्राइम फ्री भारत इटसेल्फ फॉर द 5 सर्टेनिटीज एंड 5 रेवेन्यू स्ट्रीम, ठीक है ना। दूसरा है CFB एग्रो मॉडल, राइट मॉड्यूल। देन थर्ड इज CFB आयुष मॉड्यूल। देन CFB ई कॉमर्स मॉड्यूल, राइट। सब सारे अच्छे हैं, उसमें जो खास तौर पर जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत है बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन, उस पर हम बहस करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। एग्रो मॉडल बेसिकली, हाँ, एग्रो फॉरेस्ट्री ही है, मल्टी लेयर फार्म है, नो टिल फार्म है, और ऋषि खेती है या फिर ऋग्वेद के हिसाब की खेती है, और फुको का भी है। वी शुड, हमको उदार होना चाहिए, हमें वो आते थे सीखते थे फुको का, वो भी जेन मास्टर है। तो जेन मास्टर वो होता है जो दुनिया के लिए सोचता है, तो वो ही वाज अ लिविंग सेंट, तो वो कोई बुराई नहीं है, मैं तो मानता हूँ उसको। और अपने देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे भी जो अच्छाई अपन करना चाह रहे हैं उसके फाइनल कंट्रोल अपन को जहाँ भी मिलते हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, देयर शुड बी नो रिजिडिटी। रिजिडिटी हमको भी देखो, मोक्ष में नहीं एक रास्ता बताया है उन्होंने, कहा कि ज्ञान मार्ग है, धर्म मार्ग है, दिस मार्ग, दैट मार्ग, चार मार्ग तो बताई है ना कम से कम। इसका मतलब है देयर इज नो रिजिडिटी, एंड देर आर द ऑप्शन, तो हम उन ऑप्शन को करें। किसी को नो टेलिंग में जो है ना कहें के साथ, देखिए इसमें जाना चाहते तो इसमें ये है, इसमें तो ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, एंड देन हम अपने जो CFB, देखो व्हाट वी आर सेइंग कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, मतलब एक हमने एक इसमें स्लोगन ये रखा है कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे और हम अवेयरनेस भी नहीं बांटेंगे, हम जो है उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे थ्रू अवर CFB वॉलंटियर्स, उनको बड़ी इंटरेस्ट। आपको लेते चलूंगा, ऑल इंडिया सेमिनार ये भी कर रहे हैं लोग, तो पहले हम लोग एक बार कंसेंसस बनाएं कि वो तो सारी जो आप चीज कह रहे हैं बिल्कुल पक्की बात है, उसको स्ट्रेंथन करेगा, उसको मजबूत करेगा। और जो हमारी समझ है जो इस खेत के साथ CBG को जोड़ने का, और जो क्वाड्रुपलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम से लेकर हेल्थ से लेकर नदियों का स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य, और पानी आपके, आपके पहले जो है ना खेतों से केमिकल गायब करना है, फिर घर से भी केमिकल गायब करना है। 100% आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। तो हमारे साथ बायो एंजाइम वाले लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग उनका जैसे जब मैं IG ऑपरेशंस कश्मीर था तो वहाँ पर अमरनाथ यात्रा के लिए हमने पहली बार वहाँ एंजाइम का यूज किया था, तो बदबू आती थी ना, तो वो जो है ना अभी हमारे समय वहाँ कोई बदबू नहीं आई। वाह, बहुत ही अच्छा। नहीं, अब हमारे यहाँ के जो सबसे मास्टरो है बायो एंजाइम की जो है वो सब हमारे दोस्त हैं, तो उनसे तो हमें बहुत इंटेंसिव इंटरेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हम माइक्रोब्स को बहुत, माइक्रोब्स को और एंजाइम को तो हम बहुत ज्यादा जो है ना अडॉप्ट करना चाहते हैं। 100%। और ये खस की जो मैं बात करता हूँ, जो बायो मीडिएशन की जो बात है वो सबसे ऊपर है, वो अपने को समझ में आता है, और अपने साथ सबसे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कैसे है, लंबा स्ट्रगल है, बट देखते हैं। नहीं, कोई लंबा नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए इट इज ऑल, अभी तो बुरे हाल है, अभी तो अभी मैं खुद ही केमिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे क्या कहूँगा, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो केमिकल फ्री लाइफ जीते हैं लोग, मेरा कम है लेकिन है। नहीं, लेकिन हमको भी जल्दी करना चाहिए, नहीं तो वी आर इनवाइटिंग कैंसर, वी आर इनवाइटिंग ऑटोनोमस डिसीज, और जो हमारा मेडिकल रिस्पॉन्स होगा दैट विल बिकम फर्दर पॉजिटिव फैक्टर टू फर्दर जो है ना इंटेंसिफाई। मैं तो कह रहा हूँ कि जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो दुष्टता है टू अवर बॉडी, इट इज नॉट ए ट्रीटमेंट। आई एग्री विद यू, कम्प्लीटली एग्री विद यू। तो इन सब पर करते हैं, उस पर फिर से चिंतन करते हैं, मन मंथन करते हैं। तो अपने आप भोपाल में हैं या कहाँ हैं आप? अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ बिहार में, तो आई एम रीचिंग आउट ऑन मंडे। अच्छा, बिहार में कहाँ हैं अभी?
आई एम राइट इन पटना. ओह अच्छा अच्छा, मैं देवघर आया हुआ हूँ फादर के पास. अच्छा ओके ओके, बैजनाथ धाम है आप? बैजनाथ धाम हाँ जी जी, आई हैड बीन टू दैट प्लेस आल्सो, ब्यूटीफुल प्लेस. मैं दो बार मुझे जो है बैजनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला. एक बार हम अपने मदर को लेके, मदर इन लॉ को लेके गए थे, एक बार हम लोग अकेले गए थे. आई हैड द टू ओकेजन टू बी देयर. तो आप लोग देवघर के रहने वाले हैं? पोस्ट रिटायरमेंट माय फादर बिल्ट होम हियर. ओह ग्रेट, लवली प्लेस, लवली. 30 साल हो गया तो, 35 साल हो गए बल्कि तो. मतलब ध्यान में नहीं रहा, नहीं तो हम देवघर आने का प्रोग्राम भी बना लेते. अब तो कह नहीं हो पाएगा, इट इज ऑलरेडी एवरीथिंग इज टाइड अप. लेकिन चलिए नेक्स्ट ओकेजन पे कभी जो है ना जरूर आपके पास, आपके ग्रह जिले, ग्रह आपके घर में ही आएंगे, आपके साथ ही रुकेंगे. तो फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, विल डू वन वेबिनार और फोन से बात करेंगे. तो उसकी बात हम जो ऑडियो की बजाय जो है, यदि हम वीडियो में रहेंगे तो इट विल बी क्रिएटिंग फेशियल एक्सप्रेशन भी उसमें आ जाते हैं. हाँ हाँ करते हैं ना, वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत. बढ़िया हो जाए. आई वांट यू टू बी, तो जो हम लोगों ने सोच रखा है, जिसको जो हम तो वी आर डिटरमाइंड टू डू दैट एंड लेटेस्ट, और जो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ने चाहिए, तो वो सारे वर्टिकल्स तैयार करके देखते हैं. ये अमूल से बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है. और मेरा ये कहना है कि इसमें हमारी किसी को भी बहुत डिपेंडेंसी नहीं है. हमें ना सरकारी जमीन यूज करना है, बैक एंड पर जो शासन की योजना है उनका यूज कर लेंगे, सो दैट इट विल बी हेल्पिंग अस आउट. बस इसके अलावा कुछ करना नहीं है. और एक बैक एंड टीम जहाँ अच्छे लोग हों, और क्यों नहीं, क्या है कि जो डेप्थ और इम्पेटस जो गवर्नमेंट दे सकती है कोई नहीं दे सकता, ये पक्की बात है. नहीं तो वो ऑलरेडी उन्होंने योजनाएं बनाई है, अपन उनको अडॉप्ट कर लेंगे, क्या देखा. हाँ वही वही एग्जैक्टली, तो उसको अडॉप्ट कर लें और उसको क्लेवरली हमारे आइडिया को उसके उसके तहत मोड़ दें, उसको मोड़ दें और फिर सक्सेसफुल हो जाए. देखिए यदि हमने उनकी स्कीम को यूज करते हुए यदि वर्किंग मॉडल ग्राउंड पे खड़ा कर दिया तो लोग बाग आके कवर भी करेंगे, देखेंगे भी, अपने आप चीजें होने लग जाएंगी. तो बड़े स्केल पर होगा फिर, बड़े स्केल पर पड़ेगा, बड़े स्केल पर हो जाएगा. और हम इसको अपने नेटवर्क में भी बड़े स्केल पे कर सकते हैं. देखिए इस क्वेश्चन ऑफ रीचिंग आउट ओनली, तो यदि मान लो हमने हर स्टेट में अपने कुछ कुछ सीट डाल दिए और हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर जो है ना कुछ कुछ, जैसे अभी मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 3 ब्लॉक सिलेक्ट कर लिए, आई थिंक वी आर वी विल बी अनफोल्डिंग, इसमें इंदौर धार भी इंक्लूडेड है. तो वो वहाँ के कुछ वॉलंटियर्स आए, बोले सर हम यहाँ पे हमारा नेटवर्क है सर, आप यहाँ कर लीजिए. हमने कभी को कहीं तो करना है पहले, चल आपके यहाँ से ही कर लेते हैं. हाँ हाँ क्यों नहीं. तो और लोग आ रहे हैं साहब, मतलब दैट इज, मतलब आई एम रियली हैप्पी कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ऑलरेडी मूव कर चुका है. बहुत ही अच्छा. और जबकि ये हार्डली 7 दिन पुराना है, कॉस्मिक डाउनलोड ही 7-8 दिन पुरानी है. वाह, तो 7-8 दिन में यदि इतनी प्रोग्रेस हो गई है तो मैं तो सोचता हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी इज वर्किंग. देखिए आपसे कनेक्ट हो गया मैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी. मैं तो मानता हूँ इसको बिल्कुल. जैसे आप संजय गुप्ता वाली बात कर रहे हैं तो उनसे जुड़ जाएंगे तो वो अपना री इन्फोर्समेंट हो जाएगा. फिर आपने जो उनका कहा है, जो IITN है, क्या नाम बताया, अरविंद जोशी, अरविंद जोशी जी है, तो उनसे जुड़ जाएंगे. फिर आपका जो है ना रामकृष्ण सर से जुड़ जाएंगे. अच्छा वी नो जो है ना इनको पांड्या जी वगैरह सबको जानते हैं अपन, गायत्री परिवार में अपन यहाँ पे जो है ना ब्रह्म कुमारी में सभी को जानते हैं अपन, इनको भी रविशंकर जी को भी जानते हैं वहाँ, उनको भी जानते हैं, सदगुरु जी को जानते हैं. फिर आप रामकृष्ण मिशन में आपकी अच्छी पैठ है, तो मेरे ख्याल से इन सब लोगों की शक्तियां जुड़ेंगी तो हम बहुत जल्दी बहुत कुछ कर पाएंगे. सही बात है ना. ठीक है ठीक है, तो फिर एक आध दिन में अपन और उसको फिर फाइनल कंक्लूड बना लेंगे, है ना. बिल्कुल जी जी, थैंक यू थैंक यू. नमस्कार एंड थैंक यू फॉर रियली, whenever I talk to you, I get really lot of enthusiasm. No, 100%. Same here. Right. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye.